हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास दुबे के एनकाउंटर के मसले पर बात करते हैं आईजी मोहित अग्रवाल जी से। सर, एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही ये साहसिक मुठभेड़ जो है, एक करेजियस मैं कहूंगा, कानपुर पुलिस की और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई जो हुई है, बहुत ही दुर्दांत अपराधी जो है जिसके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे थे 60 से ऊपर, और 8 पुलिस कर्मियों को जिनकी हत्या इसने की थी, तो जिस प्रकार का दुर्दांत और ये अपराधी था और ये मुठभेड़ में आज ये मार गिराया गया है, तो मैं पूरे कानपुर पुलिस की और एसटीएफ की टीम की मैं को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक नजीर पेश करने वाला और एक ऐसी साहसिक मुठभेड़ की है जिसका जो है अन्य अपराधियों पर भी निश्चित रूप से एक प्रभाव जाएगा। पुलिस जिंदाबाद के नारे तो लगा रही है पब्लिक, लेकिन कई लोग, कई जानकार सवाल खड़ा कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम पर। क्या विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी कि वो भागा? गाड़ी जिस अवस्था में गिरी हुई थी, सिर्फ एक शीशा टूटा हुआ था, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस सीन को देख करके जहां पर एनकाउंटर का दावा है। देखिए, जो लोग मुठभेड़ में सम्मिलित रहते हैं, जो एक्चुअल में गोलियों का सामना करते हैं, वही लोग जो है इन परिस्थितियों को समझ पाते हैं, और बहुत ही ये साहसिक मुठभेड़ मैं कहूंगा जो। लेकिन सर, तमाम कई विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार नहीं पलटी, सरकार को पलटने से बचाया गया, तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है पापी का तो अंत हो गया लेकिन राज दफन हो गए। इन सवालों पर क्या जवाब देंगे? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बहुत ही मैं बार बार यही कहूंगा, बहुत ही ये एक ऐसा कार्य हमारे पुलिसकर्मियों ने किया है कि अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने इस अपराधी को, जो भाग रहा था वो गोलियां चलाता हुआ, अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो ये अपराधी हमारे हाथ से निकल जाता। जो अपराधी उज्जैन में वहां मंदिर के गार्ड को आत्मसमर्पण कर देता है, सर वो एसटीएफ के जवानों के सामने गोली क्यों चलाएगा? सर ये सवाल है सर, प्लीज मोहित जी, ये तो वही जानता है ऐसा क्यों करा उसने।